नमस्कार, मैं बनवारीलाल कुशवाहा और आप देख रहे हैं C20 न्यूज। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। फिरोजाबाद के शुकहाबाद पुलिस टीम ने 3800 लीटर अवैध शराब का कराया निष्ठीकरण। हरदा मध्य प्रदेश पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, कई लोगों की मौत और कई घायल। यूपी के आगरा में 346 करोड़ की सौगात, जल्द शुरू होगी मेट्रो परियोजना का कार्य। 5 करोड़ का 10 क्विंटल अवैध गांजा सहित 2 तस्कर ANTF व एटा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार। आगरा दवा फैक्ट्री में भीषण आग, फटे केमिकल के ड्रम, मची भगदड़। पेपर लीक करने वालों की अब खैर नहीं, लोकसभा में पारित हुआ सार्वजनिक परीक्षा विधेयक। भारत ने लगातार 5वीं बार बनाई वर्ल्ड कप फाइनल में जगह। फिरोजाबाद थाना उत्तर पुलिस टीम द्वारा लूट के मुकदमा में वांछित मुख्य अभियुक्त फैजान पुत्र सलीम को पुलिस मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तार। लखनऊ में रिटायर DSP ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली। विश्व टेक तैराकी में 7 देशों के 268 तैराक लेंगे भाग, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया उद्घाटन। हरदा फैक्ट्री मालिक राजेश अग्रवाल गिरफ्तार, दिल्ली भागने की कर रहा था तैयारी। लखनऊ में फैक्ट्री कर्मचारियों को बंधक बनाकर लूटने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। आगरा में महिला ने कहा, पति को छोड़ दूंगी लेकिन तमाकू वाला मंजन नहीं, महिला की बात सुनकर पुलिस भी हैरान। योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी में लागू हुआ लिफ्ट एक्ट। तापमान में गिरावट, तेज हवाओं के साथ फिर बढ़ेगी ठंड। उत्तर प्रदेश में बिछेगा नई सड़कों का जाल, लोगों को जाम से मिलेगी मुक्ति, 800 करोड़ से बनेगी औद्योगिक क्षेत्रों की सड़कें। बागपत में कोर्ट के फैसले के बाद छावनी में तब्दील किया इलाका, भारी संख्या में तैनात की गई पुलिस फोर्स। लखनऊ में ट्रांसफॉर्मर फैक्ट्री में हुई डकैती का खुलासा, 4 गिरफ्तार। आगरा में करोड़ों की जमीन हड़पने वाला बिल्डर, पिता पुत्र भगोड़े, गिरफ्तारी पर 25,000 का इनाम। बुलंदशहर में प्रेम संबंधों में चाचा की हत्या करने वाला आरोपी 27 साल बाद शतारी से गिरफ्तार। ये थे अब तक के समाचार। बनवारीलाल कुशवाहा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।